तो हमारे YouTube के बकेदी दुनिया में आपका स्वागत है। यार कितने दिन से मैं बोलना चाह रहा था, खैर आज बोल दिया। यार शक्ल देखने के बाद अजीब लगता होगा मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ दिनों में आदत पड़ जाएगी। तो यार आज हम लेके आए डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का रिव्यू। हाँ यही बोलते, वो भी बिना स्पॉइलर के साथ। तो यार मुझे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस कैसा लगा? मैडनेस जैसा। तो सबसे पहले बात करते हैं पिक्चर में ऐसा क्या है जिसको देखने के लिए तुम थिएटर चले जाओ। तो सबसे पहली बात की मार्वल की पिक्चर है, और मार्वल की पिक्चर होने की वजह से इसमें मार्वल वाला माल तो भरा हुआ है कूट कूट के, जैसे जबरदस्त VFX और धमाकेदार एक्शन और इंटेंस मोमेंट में हंसाने वाले जोक्स। तो यार मूवी के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें थी जिसको मैं सोच के गया था कि ये होनी चाहिए और वो थी, और बहुत सी चीजें नई भी देखने को मिली जो मैं सोच के गया था। तो यार बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो सारे एक्टर का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था, इंक्लूडिंग अमेरिका चेवेस। तो बात करते हैं विजुअल्स की, जैसे मैंने कहा कि VFX बहुत ही अच्छा था। यार बड़े बड़े मॉन्स्टर को देख के मजा तो आया, और कुछ सीन्स ऐसी भी थी जिसको ट्रेलर में अलग मूवी में अलग दिखाया, जैसा मार्वल करता है हमेशा। यार इस मूवी के अंदर जो मेरी फेवरेट चीज थी वो है इस मूवी का खून खराब है। भाई कौन सा माल किसको PG-13 का रेटिंग दी है, भाई PG लिमिट की पूरी बाउंड्री को छुआ है। यार इतनी ब्रूटल सीन्स इसमें डाले गए कि मैं क्या ही बताऊं, मेरे को पिक्चर के बीच में लग रहा है कि मैं R-rated मूवी देख रहा हूं। यार बड़े बड़े कैरेक्टर को ऐसे मार दिए जैसे कुछ वो है ही नहीं। स्पॉइलर दिया का? नहीं इतना तो कह सकते, देख लेना किसको मारे, कहां मारे, कैसे मारे। और जो चीज मेरे को इसमें अच्छा नहीं लगा वो है इस मूवी का विलन। यार विलन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उसके कांड से प्रॉब्लम है, तो भाई ये राइटर से। बस दिक्कत ये है कि मूवी के स्टार्टिंग में ही बता दिया गया कि विलन कौन है, भाई इसको एंड में दिखाते ना तो दिल को थोड़ा धक्का भी लगता और मजा भी आता कि ससुर के ये क्या कैसे हो गया। पर खैर मूवी को देखने के बाद मजा तो आया पूरा। अगर तुम इसे देखने का सोच रहे हो तो जाओ देखो, यार मार्वल का माल है, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। बस ये मत सोच के जाना कि कुछ नया देखने को मिलेगा, ये उन्हीं पिक्चर जैसी है, रिस्क कम फॉर्मूला टाइप। तो बस यार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज, और ज्यादा ही अच्छी लग जाए तो कमेंट और शेयर भी कर देना बस। और एक और चीज बोलना चाहूंगा यार दिल से, थैंक यू 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए और मुझको यहां तक लाने के लिए। या फिर 10,000 हुआ नहीं है, हो जाएगा कुछ ही बाकी होगा, कर देना, हुआ नहीं हुआ तो बस बाय।